अगर वीडियो को ध्यान से देखोगे तब ही समझ पाओगे, इसलिए वीडियो को आराम से देखना। हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको कैसे माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड की जो फाइल होती है एमसी वर्ल्ड फाइल, उसको आपको कैसे माइनक्राफ्ट में चलाना है, उसकी ट्रिक क्या है उसको चलाने की, वो यहाँ पर आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि गाइज कुछ महीने पहले जब मैंने ये वाली वीडियो डाली थी ना, इस वीडियो में काफी सारे कॉमेंट आए थे, कुछ बंदों के कॉमेंट आए थे कि भाई जब हमने एप्लीकेशन से वर्ल्ड को निकाल तो लिया है, फाइल तो बन गई है, बट उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो वहां पर माइनक्राफ्ट का ऑप्शन नहीं आता है, वो कैसे माइनक्राफ्ट में डलेगा, ये वर्ल्ड कैसे चलेगा माइनक्राफ्ट में, तो उसका तरीका मैं आज की इस वाली वीडियो में बताऊंगा। अब गाइस हमारे एक भाई ने कमेंट किया है यहाँ पर, भाई मैं लोकी क्राफ्ट खेलता हूँ, उसके वर्ल्ड बैकअप कैसे करूँ। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं यहाँ पर लोकी क्राफ्ट के साथ साथ माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड बैकअप करने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। अब आपको करना क्या होगा, जेड आर्चुअर को ओपन करना है और फिर उसके बाद एंड्रॉइड और डाटा के फोल्डर में आ जाना है, ठीक है। ये जेड आर्चुअर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कॉम डॉट मोजैंग डॉट माइनक्राफ्ट पीई वाला जो फोल्डर है, ये माइनक्राफ्ट का फोल्डर है, इसमें माइनक्राफ्ट के सारे वर्ल्ड सेव होते हैं, तब होते हैं जब आप एक्सटर्नल पर प्ले करते हो, मतलब एक्सटर्नल पे प्ले करते हो, ठीक है, बोला भी नहीं जा रहा यार, पता नहीं क्या हो गया। तो यहाँ पर कंप्रेस टू जिप वाला ऑप्शन दिखाई देगा, अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो तो माइनक्राफ्ट के सारे वर्ल्ड जिप में चले जाएंगे, सारे वर्ल्ड बैकअप हो जाएंगे। तो ये चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा लोकी क्राफ्ट वाले फोल्डर के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पर नीचे नीचे जब स्क्रॉल करोगे ना गाइज, तो यहाँ पर आपको लोकी क्राफ्ट का फोल्डर भी दिखाई देगा, com.ua.building.lokicraft, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, इस फोल्डर पर क्लिक करके रखना है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा आपको कंप्रेस टू जिप वाला, अगर आप उस ऑप्शन पर अगर क्लिक करते हो तो क्या होगा, यहाँ पर ये जिप बन जाएगी, कंप्रेसिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये पूरी पूरी कंप्लीट होती है तो सबसे लास्ट में आपको एक जिप फाइल दिखाई देगी, ठीक है। अगर ये चीज क्रिएट हो जाती है, उसके बाद अगर आप लोकी क्राफ्ट को कभी भी डिलीट कर देते हो, अगर उसके बाद फिर आप जिंदगी में कभी भी उसको डाउनलोड करते हो और आप अपने वर्ल्ड लाना चाहते हो, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा, इसी फोल्डर जिप वाली फाइल पर क्लिक करना है, फिर एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक कर देना है, तो सारे के सारा फोल्डर जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और फिर जब आप दोबारा लोकी क्राफ्ट को ऑन करोगे और उसको एक्सटर्नल पर सेट करोगे स्टोरेज लोकेशन को, तो सारे वर्ल्ड आपको दिखने लग जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो यही तरीका है माइनक्राफ्ट का भी और लोकी क्राफ्ट का भी, तो सेम आपको यही करना है दोनों फोल्डर के साथ, अगर आप बैकअप करना चाहते हो तो उसको कंप्रेस टू जिप कर देना, ठीक है। बाकी आप बाद में मेरे से पूछ सकते हो अगर कोई दिक्कत आएगी तो। अब अगर आपके पास कोई माइनक्राफ्ट वर्ल्ड की फाइल पड़ी हुई है, एमसी वर्ल्ड वाली फाइल है, और वो माइनक्राफ्ट में नहीं चल रहे है, तो आपको करना क्या होगा, जेड आर्चीवर में आना है, उस पर क्लिक करना है उस फाइल पर, फिर यहाँ पर तीर वाला ऑप्शन दिखाई देगा व्यू वाले ऑप्शन के साइड में, फिर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ पर माइनक्राफ्ट का ऑप्शन भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। जब आप इसके ऊपर दो बार क्लिक करोगे ना, तो ये माइनक्राफ्ट में चला जाएगा वर्ल्ड और अपने आप इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऑप्शन आपके मोबाइल में नहीं काम करता है या ये ऑप्शन नहीं दिखाता है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, जो 100% वर्क करेगा तरीका, ठीक है, इस पर क्लिक करके रखना है, फिर आपको रीनेम करना है और उसके बाद एमसी वर्ल्ड को हटा देना है और यहाँ पर ZIP मतलब जिप लिख देना है और डन करके ओके करके इसको सेव कर लेना है, ठीक है। फिर ये जो फाइल है जिप में कन्वर्ट हो जाएगी। अब गाइज अब आपको करना क्या होगा, इस फाइल के ऊपर क्लिक करना है, फिर व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपको इस तरीके से ये फोल्डर दिखाई देता है तो सबसे बढ़िया बात है, आप आराम से कर सकते हो जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से बहुत सारे फोल्डर दिखाई देते हैं, तब भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको तब क्या करना होगा, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। सबसे पहले आप देख लो ये फोल्डर अगर आपको दिखाई देता है तो इस पर क्लिक करके रखना है, फिर आपको कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर डिवाइस स्टोरेज पर क्लिक करना है, फिर एंड्रॉइड, फिर डाटा में जाना है आपको, फिर नीचे नीचे स्क्रॉल करना है, कॉम.डॉट मोजैंग वाले फोल्डर में आपको आ जाना है और फाइल्स में आना है, फिर गेम्स में, फिर कॉम.डॉट मोजैंग में, फिर यहाँ पर माइनक्राफ्ट वाला जो फोल्डर देख सकते हो, आपको माइनक्राफ्ट वर्ल्ड वाला जो फोल्डर है इसमें आकर आपको इसको पेस्ट कर देना है, ये जो हरा सा बटन है ये पेस्ट का बटन है, यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है। फिर आप अगर माइनक्राफ्ट को ऑन करोगे ना, तो ये फोल्डर आपको दिखाई देगा, मतलब ये वर्ल्ड दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप व्यू करते हो और आपको वहां पर इस तरीके से बहुत सारे फोल्डर दिखाई देते हैं, इस तरीके से बहुत सारे फोल्डर दिखाई देते हैं, तब आपको क्या करना होगा, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, इस पर क्लिक कर एक्सट्रैक्ट हेयर कर देते हो, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर कर देते हो, तो इस तरीके से भसड़ मच जाएगी और सारे फोल्डर बेकार इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। तो अगर आपको करना क्या होगा, एक्सट्रैक्ट टू अर्चीव नेम जो दिख रहा है ना आपको, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो क्या होगा, ये एक फोल्डर के अंदर सारे के सारे जो फोल्डर थे, फाइलें थी, ये सारी एक फोल्डर में आ जाएंगी। अब फिर आपको इस पर क्लिक करके रखना है, फिर कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर डिवाइस स्टोरेज में आना है, फिर एंड्रॉइड में, फिर डाटा में, फिर कॉम.डॉट मोजैंग वाले फोल्डर में आना है, और उसके बाद आपको वैसे ही सेम टू सेम करना है जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था, फाइल्स में, गेम्स में, फिर यहाँ पर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड वाले फोल्डर में आकर इसको पेस्ट कर देना है। और जब ये पेस्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, उसके बाद ये माइनक्राफ्ट में वर्क करने लग जाएगा। और गाइस फिर आपको माइनक्राफ्ट में जाना है और वहाँ पर आप देखना आपका जो वर्ल्ड है वो शो करने लग जाएगा। और गाइस ये वीडियो अच्छी है या बेकार है, ये ट्रिक वर्क करती है या नहीं, मुझे कॉमेंट में जरूर बता देना। और गाइस आज की इस वाली वीडियो पर 100 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो प्लीज इसको जरूर कम्प्लीट कर
करवा देना। और बाकी एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ आपको, अगर आपको नया वर्जन जैसे रिलीज होता है माइनक्राफ्ट का, अगर आपको वो डाउनलोड करना है तो उसका लिंक आपको मैं व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूँ हर बार, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि अगर यहाँ पर हमारी स्नैपी फैमिली का आप हिस्सा बनना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि यार 2000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है हम लोग। तो जल्दी से स्नैपी फैमिली का आप भी हिस्सा बन जाओ, ठीक है। बाकी गाइस यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए यार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय मेरे प्यारे दोस्तों।